हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रमेश, मेरे सारे यूट्यूब फैमिली को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? बाबा महाराज की कृपा से और माता रानी की कृपा से आप लोग सब स्वस्थ हैं होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं हूँ उत्तराखंड के जिला नैनीताल में, और नैनीताल में हूँ कैंची धाम। कैंची धाम शिप्रा नदी के बीच में मैं हूँ, जो चल बहती है उत्तर वाहनी नदी। और देखिए, बाबा महाराज ने इसी जल को, जब घी ख़त्म हो गया भंडारे में, तो इसी जल को घी में तब्दील किया था। देखिए, मैं हूँ आज शिप्रा नदी के बीच में बैठा हूँ। और देखिए दोस्तों, कोई भी भक्त लोग अगर कैंची धाम आएँ तो हल्द्वानी कार गोदाम से आप मेरी टैक्सी सेवा ले सकते हैं। मैं रोज़ टैक्सी सेवा देता हूँ। और कोई भी भक्त आते हैं तो आप, आज ये है, आज तारीख है 31 अक्टूबर, और आज देखिए सुबह शाम काफ़ी ठंड है कैंची धाम में, और आप अपने गर्म कपड़े जरूर साथ में लाएं। और अगर वीकेंड है या ज़्यादा छुट्टी लंबी पड़ रही है तो आप ऑनलाइन होटल बुक कर सकते हैं, जिससे आपको दिक्कतें ना हो। और आप यहाँ बाबा जी के एक कैंची धाम है और तीन धाम बाबा जी के और हैं। यहाँ से कैंची धाम से काकड़ी घाट अल्मोड़ा हाईवे पर है, और यहाँ से भूमिया धार है, और हनुमानगढ़ मंदिर है। और जो कोई भी भक्त आए दोस्तों, यहाँ आप घोड़ाखाल मंदिर के भी दर्शन करके जाएं, जिन्हें उत्तराखंड के न्याय देवता भी कहते हैं। और घोड़ा घंटी, यहाँ पर जब कोई किसी की मन्नत पूरी होती है तो घंटी चढ़ाई जाती है यहाँ पर, और इसे न्याय देवता भी कहते हैं। और यहाँ विवाह मूवी की शूटिंग भी हुई थी। और नैनीताल में आप नैना देवी के दर्शन कर जरूर करके जाएं यहाँ पर। और देखिए, काफ़ी ठंडा पानी है शिप्रा नदी में, देखिए ये। और हल्द्वानी काठगोदाम से कैंची धाम 40 किलोमीटर की दूरी पर है, और उत्तराखंड के जिला नैनीताल में कैंची धाम है, नैनीताल से 20 किलोमीटर। कई भक्त लोग पूछते हैं कि मेरे पे हम कैंची धाम कहाँ है, कैसा है, क्योंकि मैं रोज़ काठगोदाम हल्द्वानी से जब कैंची धाम नैनीताल को जाता हूँ, तो मैं सभी को बताना चाहता हूँ कैंची धाम उत्तराखंड के जिला नैनीताल में है, और हल्द्वानी काठगोदाम से 40 किलोमीटर पर कैंची धाम मंदिर है। और नैनीताल अगर आप आए हैं तो नैनीताल से 20 किलोमीटर कैंची धाम है। और कोई भी भक्त अगर आप हल्द्वानी काठगोदाम आए तो मेरी टैक्सी सेवा ले सकते हैं। मैं रोज़ टैक्सी से टैक्सी लेकर मैं कैंची धाम और नैनीताल जाता हूँ। और आपको कहीं और भी घूमना है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और मुझे कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों, इसी धाम में कैंची, अभी देखिए कैंची धाम में नहीं हूँ, कैंची धाम से थोड़ा दूर हूँ। इसी धाम की यात्रा करने के बाद फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग और एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स की किस्मत बदली थी। और यहाँ पर एक साल पहले विराट कोहली और अनुष्का शर्मा भी आए थे, और आप उनका लक देखते हैं, और बाबा जी हनुमान जी के अवतार थे, तो यहाँ पर बाबा जी ने बहुत से चमत्कार किए। और कोई भी भक्त आए वीकेंड या लंबी छुट्टियाँ पड़े तो आप होटल ऑनलाइन बुक करके आएँ, क्योंकि होटल मिलने में यहाँ पर काफ़ी दिक्कत होती है। और देखिए, मैं हूँ शिप्रा नदी के बीच में, और इसी जल का पानी बाबा महाराज ने, जब भंडारे में घी ख़त्म हो गया तो 2 कलिस्टर घी निकाल के इसी को तब्दील किया था घी में, इसी पानी को। और मैं हूँ शिप्रा नदी, उत्तर वाहिनी, उत्तराखंड के जिला नैनीताल में ये है। और देखिए, ये बरसातों में काफ़ी आती है, और अभी तो काफ़ी ठंडा पानी है इसमें। और मैं हूँ अभी शिप्रा नदी पर। और भी कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। और मेरे साथ देखिए, इन पर है बुलेरो, और ये भी मेरे साथ है। देखिए, रावत जी भी आए हैं, ये देखिए रावत जी हमारे साथ बैठे हैं, ये देखिए, और इनकी भी बुलेरो है। कभी भी कोई पर्यटक हल्द्वानी काठगोदाम आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं और मेरी टैक्सी सेवा ले सकते हैं। और देखिए, घना जंगल है, और देखिए ये पूरा पाइन का जंगल यहाँ पर, काफ़ी सुंदर उत्तराखंड के जिला नैनीताल में यह है शिप्रा नदी। और किसी पर्यटक, कोई भक्त को अगर आपको कोई जानकारी चाहिए कैंची धाम की, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं। और यह है देखिए, शिप्रा नदी के दर्शन करने से ही काफ़ी कष्ट मिटते हैं, और आप कर रहे हैं देखिए अभी ये शिप्रा नदी के दर्शन।
किसी भक्त को भी अगर आपको कोई सेवा लेनी हो या कोई पूछना हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ के और करीब से शिप्रा नदी के दर्शन कराता हूँ। और यह है शिप्रा नदी, इसी नदी का जल बाबा महाराज ने जब भंडारा खत्म भंडारे में जब घी खत्म हो गया तो इसी पानी दो कनिस्टर निकाल के और ये घी में तब्दील हो गया था। और मैं दिखाता हूँ आपको शिप्रा नदी, यहाँ देखिए यह है शिप्रा नदी। देखिए कलकल छल छल करती हुई उत्तराखंड के जिला नैनीताल में शिप्रा नदी, और यही नदी का जल बाबा महाराज ने दो कनिस्टर घी दो कनिस्टर पानी निकाल करके इसका घी में तब्दील किया था। देखिए ये काफ़ी बड़ी नदी है, उत्तर वाहनी नदी। ये देखिए ये काफ़ी बड़ी लंबी बहते हुए ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए और ये देखिए आजकल देखिए नैनी यहाँ का मौसम साफ है और यहाँ बन रहा है होटल। और ये आप देख रहे हैं शिप्रा नदी के दर्शन कर रहे हैं आप। और शिप्रा नदी के उत्तर वाहनी नदी है तो दर्शन मात्र यहाँ कट जाते हैं सारे दुख और दलिद्र। देखिए शिप्रा नदी कितना साफ पानी यहाँ का। और दोस्तों मैं ये ब्लॉग यहीं पर समाप्त करता हूँ। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर किसी भक्त को या टूरिस्ट पर्यटक कभी भी आप हल्द्वानी काठगोदाम आएँ तो आप मेरी टैक्सी सेवा ले सकते हैं। और अगर आपको टैक्सी सेवा चाहिए तो आप मुझे एक दो दिन पहले कमेंट बॉक्स करके मैसेज कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर है डिस्क्रिप्शन में। और देखिए वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना और लाइक करना और दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलें। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।